तो कांग्रेस के जो मीडिया सेल के प्रमुख हैं, अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लेकर चलेंगे। लेकिन कांग्रेस का रिएक्शन अब तक यही रहा है कि सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से जुड़े रहे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें इस बात का गर्व है कि जिस पार्टी से और उनके लोगों के द्वारा इसी राष्ट्र की आधारशिला के ऊपर लगातार प्रहार किया जाता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, इतना जोर से देकर के बोल रहा हूं कि कई बार ऐसा लगता है कि अभी तो ये विपक्ष में है और जब ये लोगों की विचारों को कि अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर इतना तेजी से प्रहार करते हैं तो भगवान ना करे कल अगर किसी समय अगर इनको सत्ता मिल जाए तो उस वक्त ये विचारों की अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हाल करेंगे, यह हम लोगों की कल्पना से परे। मैं आप सब लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, 8 अक्टूबर को एक आर्टिकल हिंदू के अंदर एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, महिला पत्रकार, महिला जर्नलिस्ट एसोसिएट एडिटर ने एक आर्टिकल हिंदू में लिखा था और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने मुख्यतः 2-3 बातों को तथ्यों के आधार पर साबित किया कि आरएसएस सरदार पटेल को दिए गए वायदे से पीछे हट रही है। उसने तथ्यों के आधार पर यह साबित किया कि आरएसएस सरदार पटेल को दिए गए वायदों से पीछे हट रही। उसने तथ्यों के आधार के ऊपर यह साबित किया कि सरदार पटेल का यह मानना था कि 1947 के अंदर देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल को दूषित करने में आरएसएस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने तथ्यों और तर्कों के आधार के ऊपर यह साबित किया। तथ्य और तर्क किसी को पसंद आ सकते हैं, किसी को पसंद नहीं आ सकते, और इसी को तमिल भाषा के अंदर जब इस राष्ट्रीय दैनिक ने अपने तमिल भाषा के अंदर जब ट्रांसलेट करके जब दिया तो उस दौरान उसके बाद से लेकर के अब तक के लगातार हेट कॉल्स, जान से मारने की धमकी से लेकर के अलग अलग तरीके से उस महिला पत्रकार को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या यह संस्कृति सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स, क्या यह संस्कृति देश के अंदर लेकर के आना चाहते हैं? तंग आकर के 15 अक्टूबर को जब उस महिला पत्रकार ने पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट दर्ज कराई, हम पूरी की पूरी कंप्लेंट की कॉपी आपको नहीं दे रहे क्योंकि इसमें फोन नंबर्स वगैरह बहुत सारे लिखे हैं, मैं केवल 2 सेंटेंस पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। आई हैव रिसीव्ड ओवर, इन्होंने लिखा है, आई हैव बीन गेटिंग थ्रेटनिंग कॉल्स फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड कॉलर्स क्लेमिंग एफिलिएशन टू द आरएसएस एंड विश्व हिंदू परिषद। एज ऑफ 7 PM टूडे आई हैव रिसीव्ड ओवर 50 सच कॉल्स। The callers have been abusive and also threatened physically harming me, bombing me at my home. They have used filthy and vulgar words. क्या महिलाओं के प्रति इस प्रकार की बातों को रख करके, इस प्रकार के से धमका करके, ये किस संस्कृति का प्रतीक है? मेरे और भी बहुत सारे मीडिया के अंदर जो मित्र हैं, मैंने उनसे बात करी तो महिला के अंदर पता चला कि और भी बहुत सारे, इवन नेशनल चैनल्स के सीनियर एडिटर्स तक के महिला पत्रकारों को इस प्रकार के धमकी भरे फोन कॉल्स और मेल्स और ट्विटर्स के ऊपर इस प्रकार से धमकियां दी जाती हैं। नरेंद्र मोदी साहब के गुजरात में इंफॉर्मेशन कमीशन के 9 मेंबर्स होने चाहिए और उस 9 मेंबर्स की जगह चेयरमैन के साथ केवल 3 मेंबर्स हैं और 20,000 इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने बैकलॉग पेंडिंग थी। अब जाकर के कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद 12,000 इस वक्त बैकलॉग हमारे वहां गुजरात के इंफॉर्मेशन कमीशन के आगे पेंडिंग है। इस प्रकार के कार्य वहां पर हो रहे हैं। गुजरात के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन 2006 तक नहीं था, अभी भी केवल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन है, दूसरा ऑफिसर ऑफिस बेयरर वहां पर
ह्यूमन राइट कमीशन के दूसरे मेंबर्स अभी वहां पर नहीं है। गुजरात के अंदर यहां पर भारतीय जनता पार्टी सीएजी की रिपोर्ट्स लेकर के कई कई बार पार्लियामेंट के सेशन नहीं होने देती है। गुजरात के अंदर सीएजी की रिपोर्ट आज तक कभी भी नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात की सीएजी रिपोर्ट डिस्कस नहीं होने दी। यहां पर पार्लियामेंट को ये चलने नहीं देते और गुजरात के अंदर कोई सेशन ऐसा नहीं जाता जबकि कांग्रेस के विपक्ष पार्टी के एमएलए को सस्पेंड करके सदन से बाहर ना फेंक दिया जाए। यह गुजरात के अंदर कल्चर है, यह स्वतंत्रता है। वहां पर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स आप लाइव देख सकते हैं लेकिन गुजरात की प्रोसीडिंग्स आप लाइव नहीं देख सकते हैं। वहां पर जब लोकपाल का कमीशन का विधेयक भी इस वक्त चर्चा के लिए तो वहां पर उस वक्त चर्चा के से पहले दिन के अंदर कांग्रेस के विधायकों को निलंबित कर दिया गया और दोपहर को जब चर्चा के लिए आया तो वहां पर मीडिया की एंट्री उस वक्त बंद कर दी गई। यह विचारों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात करने वाले ये लोग अगर सरदार पटेल की प्रतिमा भी लगाते हैं तो कम से कम उनके आदर्शों के ऊपर चलना तो सीखें। अभी बिहार के अंदर जिस प्रकार से भौगोलिक जानकारी और इतिहास की जानकारी का प्रदर्शन मोदी साहब ने किया वो हास्यपद। तक्षशिला कहां है उन्हें नहीं जानकारी, सिकंदर गंगा तक आए या सुतलज तक आए ये उनको जानकारी नहीं। मैं तो मोदी साहब के बारे में केवल इतना कहना चाहता हूं कि ना इतिहास का ज्ञान, ना भूगोल का ध्यान, ना मर्यादा का भान, ऊपर से लेकर के नीचे तक केवल अभिमान ही अभिमान। महात्मा गांधी की पार्टी होने का के नाते मैं कहूंगा ईश्वर इनको भी सन्मति दे। मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा आज जब इस एडिटर लेवल की रिपोर्टर की जिस तरीके से थ्रेटनिंग कॉल्स आए हैं, मैंने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी को आज सुबह पत्र लिखा है और मैंने उनसे कहा है कि इसके ऊपर पूरी की पूरी जांच करी जानी चाहिए और इस रिपोर्टर ने अपनी कंप्लेंट के अंदर फोन कॉल्स डिटेल्स, फोन नंबर्स की डिटेल्स दी हैं, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और इस प्रकार से कोई भी पत्रकार, कोई भी एडिटर अपनी बात को रखे तो उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप सब लोग और मीडिया के अंदर दूसरे लोग कांग्रेस पार्टी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में बहुत सारी बातें ऐसे कहते हैं जो कि हमें पसंद नहीं होती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम आप लोगों की विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता के ऊपर ही प्रहार करना शुरू कर दें। और जैसे मैंने कहा कि अभी तो विपक्ष के अंदर हैं तो यह इनकी तौर तरीके हैं, कल को अगर भगवान ना करे सत्ता अगर इनके हाथ में आ जाए तो विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता को किस तरीके से ये पालन करेंगे। गुजरात स्टेट का मैंने आपको बताया कि सीआईसी का वहां पे क्या हाल है, वहां गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन का वहां पर क्या हाल है, सीएजी की रिपोर्ट वहां पर डिस्कस नहीं होती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन वहां पर सेटअप नहीं होता है, वहां पर मीडिया को विधानसभा के अंदर जाने नहीं दिया जाता है जिस वक्त इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, तो ऐसे समय में आप देश के सामने क्या तस्वीर सरदार पटेल की प्रतिमा को रख करके आप अपने बारे में प्रस्तुत करना चाहते हैं। देश की जनता यह भी आपसे जानना चाहती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब नरेंद्र मोदी ने अभी अपनी रैली में बोला है बगैर आपकी पार्टी या किसी का नाम लिए कि मेरे कुछ मित्रों ने मुझे समाप्त करने की सुपारी दी। मेरा एक और सवाल है सर, सरदार पटेल साहब को लेकर के उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो सेक्युलरिज्म कर रही है वो सरदार पटेल की नहीं थी, सरदार पटेल साहब का जो सेक्युलरिज्म था वो देश के लिए था, आप उनका संकेत, दोनों सवाल का जवाब दीजिए। देखिए जो मोदी जी ने वहां पर सुपारी लेने वाली जो बात कही है या इससे पहले बिहार में उन्होंने जिस तरीके की बात कर दी कि इन सबको साफ कर दें, चुन चुन के साफ कर दें, तो यह भाषा देश के संभावित प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छी नहीं लगती और जो खुद बनना चाहते हैं
प्रधानमंत्री और विपक्ष पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं उनको ये शोभा नहीं देती। इसलिए मैंने कहा शुरू में ही कि ना तो इतिहास का ज्ञान, ना भूगोल का ध्यान, ना मर्यादा का भान। मैंने कहा मर्यादा का भी भान नहीं है। और साथ साथ इसलिए मैंने कहा कि ऊपर से लेकर के नीचे तक सिर्फ अभिमान ही अभिमान। तो ऐसे व्यक्ति जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ अभिमान में अपने सरोवर हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक केवल और केवल मर्यादा के भान कि उनको कोई जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहा जाए। सर अभी बिहार में धमाके हुए, माहौल वहां अभी भी सही नहीं है। केडीयू ने कहा है कि मोदी वहां ना है, मोदी जाने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है इस बारे में? अभी कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगा। मेरे ख्याल से आज के परिपेक्ष में जो बात मैंने कही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब समय आएगा तो उस वक्त इसकी भी बात करेंगे। Well, let me tell you, my today's press conference is not in response to what he has said there today. My press conference today is just in response to what they have done to a reporter, particularly a women journalist, who has written an article on Sardar Patel and what Sardar Patel wanted, how RSS has fallen back on the promise which they gave to Sardar Patel. So the briefing which I am holding today is not what he has said. I have not even heard what he has said. So let me come back after I go through what exactly he has said. The party has not really done anything. They just speak about unless I go through exactly what he has said, it would be unfair to comment on what he has said. Well, I don't think so. Vote bank politics is something which they are indulging into by indulging into majority vote bank politics, and this they have been doing so not now but ever since independence. And this is what Sardar Patel was against RSS for. He said that Sardar Patel, the article which I am referring to, which appeared on 8th October, that article clearly indicates that Sardar Patel was of firm belief that the atmosphere in the country was vitiated because of the RSS. कल जब इसके बारे में हमने जानकारी ली तो हमें नहीं इसके बारे में पता चला कि किसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। तभी इसी वजह से आज हमने गृहमंत्री को हमने खत लिखा है और हम चाहते हैं कि गृहमंत्री इसके अंदर इंटरवीन करें और जिन लोगों ने इस प्रकार की कॉल्स करे हैं उनको जरूर उनको पकड़ा जाए और ताकि आगे से कोई ऐसी हिम्मत ना करे कि किसी पत्रकार को इस प्रकार से थ्रेटनिंग कॉल्स दिए। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों कहते रहते हैं कि सादगी बरतना चाहिए। आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं अमर जितेंद्र सिंह, वो कारपेट बिछवा रहे हैं अपने दफ्तर में, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, आपको स्वागत लगता है क्या? समझिए मेरे ख्याल से आज मैं अलग से इसके बारे में। मिस्टर मोदी हैव ऑल्सो सेड दैट दिस कंट्री विल ऑलवेज हैव रिग्रेट दैट सरदार पटेल विल नॉट बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, indicating that he would have made a better prime minister than Jawaharlal Nehru. Well, this is something which is a history now. So we all know why he is saying so, because his party doesn't have any legacy. Makan ji, sir, aisi kya wajah hai ki 15 October ko FIR darj hui aur is mamle mein koi karwai nahi ho rahi hai? Kya rajya sarkar, kyunki ye law and order state subject hai, kya aapko lagta hai ki ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और इसलिए मैंने केंद्रीय गृह मंत्री को इस पे लिखा है और हम उम्मीद करेंगे कि इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई। धन्यवाद। टुडे वॉज नॉट द ब्रीफिंग डे।